नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। 27वीं सीरीज हम करने वाले हैं मैथ्स की, ठीक है। आज की क्लास में हम वर्ग के बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझिएगा, सवाल भी करेंगे। कुछ सवाल आपके लिए है वो आप भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वर्ग से। देखो भाई, वर्ग के बारे में आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम सवाल पे चलेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत काम की बातें हैं, उसे जानना जरूरी है। जैसे कि आपको पता होगा, इसके पहले की जो दो क्लास थी वो हमने आयत पे करी थी, ठीक है। सीरीज की जो भी सवाल थे वो हमने आयत के सवाल कवर किए थे उस सीरीज में। अब यहाँ वर्ग है तो वर्ग की खासियत क्या होती है गुड्डू, कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आयत में क्या होता था, आयत की लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसे कहा क्या जाता है, वर्ग कहा जाता है। तो वर्ग के क्षेत्रफल की मैं बात करूं, तो वो होगा ए स्क्वायर, ए यानी भुजा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भुजा का वर्ग, ठीक है। इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ए ए टू ए, ये ए थ्री ए, और ये हो जाएगा फोर ए। कितना हो जाएगा परिमाप, फोर ए हो जाएगा। यही विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है भैया, ठीक है, सबसे लंबी छड़, या जो भी है हम बोल सकते हैं कि इस प्लॉट पे सबसे लंबी छड़ कितने मीटर की रखी जा सकती है, तो वो विकर्ण ही होता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होगा ए रूट टू। ध्यान रखना, पहले भुजा आएगा उसके बाद रूट टू आएगा, भुजा रूट दो, ओके। जब डिटेल में वीडियो लेके आऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, किस प्रकार से सवाल हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अभी हम देख लेते हैं, आपने देखा होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो आयत का होता है वही वर्ग का होता है। देखो, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी लंबाई भी a, इसकी चौड़ाई भी a, तो a गुणा a क्या होगा, a स्क्वायर। ऐसा हुआ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, परिमाप होगा 4a, विकर्ण होगा a रूट टू। चलिएगा, तो सवाल देखिएगा पहला। जिसको आता है वीडियो को रोक के बनाइए और देखिए क्या आंसर है, बाकी लोग समझे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा क्या होगी। आपको विकर्ण की लंबाई दे रखी है, यानी a रूट टू कितना दे रखा है गुड्डू, 24 दे रखा है, a रूट टू आपको दे रखा है 24, भुजा पूछी है। तो भाई देखिएगा, अगर मुझे a का मान चाहिए तो मैं 24 और नीचे क्या आ जाएगा, रूट टू, ये आपका आंसर होगा। लेकिन देखो, घातांक करणी का नियम होता है कि नीचे करणी को नहीं छोड़ा जाता, तो इस करणी को खत्म करने के लिए हम हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, रूट दो का गुणा ऊपर भी कर देंगे, रूट दो का गुणा नीचे भी कर देंगे, नेशनलाइजेशन करने पर, ठीक है। अब देखो, रूट टू से रूट टू कैंसिल हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने बहुत कुछ किया। देखो, जैसे इस रूट दो का गुणा यहां किए, इस रूट दो का गुणा यहां किए, तो आपको मैं बता दूं, रूट दो क्या होता है, दो होता है, और दो से इसको काटेंगे तो 12 आएगा, यानी 12 रूट दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यही भुजा है, फर्स्ट ऑप्शन। नेगेटिव नहीं आएगा गुड्डू, है ना, माइनस में मत लगाइएगा, पॉजिटिव रहेगा, 12 रूट दो आपका आंसर होगा। एक बात आप जानते होंगे, जैसे मैंने आपके सामने लिखा रूट दो गुणा रूट दो, तो रूट दो नहीं होता, रूट दो होता है। ऐसे ही मैं लिखता हूं रूट तीन गुणा रूट दो। तो इस कंडीशन में पता है रूट 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 ही रहता है, तो तीन दुना कितना हो जाता है, 6, तो आंसर आता है रूट में 6। लेकिन वहां सर दो कैसे हो जाता है, तो बात को सुनिएगा। जैसे कि हम रूट रूट करें तो ये रूट और रूट का गुणा रूट ही रहेगा, और दो दुना कितना हो जाएगा, 4। लेकिन 4 बाहर आ जाता है तो 2 बन जाता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग होता है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होता तो ये अंदर ही रह जाता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। सीधा सा सवाल है, ये किसका वर्ग होता है बाबू, 14 का वर्ग होता है, 14 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
थोड़े बहुत इसके याद होंगे तो आसानी से काम होगा। अब क्षेत्रफल दिया है, आप जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सर भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग दे रखा है 196, यही तो क्षेत्रफल है। अगर मैं पूछूं ये किसका वर्ग होता है, तो भाई ये 14 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 14 का वर्ग होता है। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बताइए ए का मान क्या होगा? 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या बोलते हो, सही है? तीसरा क्वेश्चन जनता, बनाइए फटाफट। एक वर्ग का परिमाप 26 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? परिमाप दे दिया है, ठीक है। अभी विकर्ण दिया था तो विकर्ण बराबर विकर्ण रखा था, जब परिमाप दिया है तो परिमाप बराबर परिमाप रखेंगे, क्षेत्रफल दे रहे तो क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल रखेंगे। चलिएगा, तो अब गुड्डू में लिख सकता हूं 4a बराबर कितना होगा, तो 4a तो लिख दिया भाई, तो a बराबर हो जाएगा 26/4। 26/4 इसको भागा देते हैं, दू से कटेगा 13 बार और दू से भाग जाएगा 2 बार, 12 का आधा होता है 6, तो मैं 13 का आधा लिख सकता हूं 6.5, यानी 6.5। सहमत है? 6.5। अच्छा, ये भुजा आ गई, हमसे पूछा है क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, 6.5 का क्या करेंगे गुड्डू, वर्ग कर देंगे। तो ये देखो 5 का स्क्वायर 25 और 6 हो जाएगा 42, ठीक है। और एक अंक बाद पॉइंट है, इसका वर्ग करेंगे तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखो भाई, आप वर्ग के सवाल देख रहे हो, वर्ग के सवाल में आपको वर्ग निकालना नहीं आता तो आपको वर्गमूल घनमूल चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, स्क्वायर निकालना, इसकी सारी वीडियो है, आप डिटेल में जाके देखिएगा, आपको वर्ग निकालना, घन निकालना सारी बातें आ जाएगी समझ में। जैसे देखो वहां 65 था, अगर मैं 65 का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो इसका स्क्वायर करना गुड्डू सरल होता है। कैसे? देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो 25 लिख दो, और ये देखो कि 6 के बाद क्या आता है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो 6 में 7 का गुणा कर दो, 6 × 7 कितना होगा, 42, ये आ जाएगा आंसर, समझे ना बात को। एक और देखिएगा, ट्राई मारते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया यहाँ पे 55, ठीक है, 55 लिख दिया। अब मैं 55 का स्क्वायर करता हूं, देखिए गुड्डू 55 का स्क्वायर करता हूं, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, और मैंने बोला 5 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा, तो 5 के बाद 6 आता है, 5 × 6 कितना होगा, 30, तो यहां मैं लिख देता हूं 30, ये 30-25 आंसर हो गया, समझ रहे हैं बात को, ये चीज होती है। तो स्क्वायर से ये निकालना और इससे किसका स्क्वायर होता है ये निकालना, दोनों आपको आना चाहिए, जो कि वर्गमूल घनमूल में मैंने अच्छे से समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं मित्र। हाँ, एक और चीज, जैसे कि यहां पे मैंने 2 अंक बाद पॉइंट लगाया था, जैसे यहां पॉइंट था तो मैंने यहां 2 अंक बाद पॉइंट लगाया, ऐसे यहां पॉइंट होगा तो हम 2 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, ऐसा क्यों करते हैं, देखो 6.5 है और अगर इसमें मैं 6.5 का गुणा करूं तो आना है 42-25, लेकिन आपको पता है कि गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं, गुणा में पॉइंट जुड़ते हैं, तो एक पॉइंट और एक पॉइंट के पॉइंट होगा, 2 पॉइंट, इसलिए यहां पे पीछे से 2 अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं, समझ में आई बात भाई, ठीक है। देखो इस सवाल को, एक वर्ग का क्षेत्रफल 30.25 है, ये तो अभी किए थे हम, देखो ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल दिया है 30-25, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये किसका स्क्वायर होता है, तो भाई साहब ये होता है 55 का स्क्वायर, 5.5 का क्या लिख दो, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बोलो ए का मान कितना आएगा, 5.5, ठीक है। पूछा क्या है, परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है 4a, a की जगह लिखूंगा 5.5, ये बताइए 55 चौक कितना होता है, 220, 55 चौक होता है 220, एक अंक बाद पॉइंट है तो हम यहां भी पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 22 सेंटीमीटर मेरा आंसर होगा। परिमाप है,
तो सेंटीमीटर में होगा, क्षेत्रफल होता तो वर्ग सेंटीमीटर में होता, ठीक है। और अभी ही मैंने आपको पीछे बताया था, यहां आप देख सकते हो 5.5 से 30 25 निकालना, ठीक है। और यहां पे देखिएगा वर्गमूल का भी यही तरीका होता है, जैसे मैंने अंदर लिखा 30 25, तो हमें देखना है कि पीछे 5 किसके वर्ग के होता है, तो भैया 5 के वर्ग के ही होता है, 5 का वर्ग 25। दो संख्या काट दीजिए और इसको देखो कि ये किसके आसपास का वर्ग है, तो ये 5 के आसपास का वर्ग है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता है, तो मैं कितना लिख दूंगा यहाँ पे 5 लिख दूंगा। अब देखो दो अंक बाद पॉइंट है, तो जब वर्गमूल करते हैं ना तो जितने भी पॉइंट होते हैं उसका आधा कर देते हैं, तो 4 होते 4 का आधा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, 6 होगा तो 3 कर देंगे, ऐसे यहाँ 2 दिया है तो 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पे पीछे से एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हो गया 5.5, यानी 5.5 का स्क्वायर है, ठीक है। अगला सवाल, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। भुजा दे रखी है मतलब आपको ए का मान दिया है 45, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे हम 45 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि भुजा का वर्ग ही क्षेत्रफल होता है। तो अभी बताया था 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 लिख दीजिए, 4 के बाद कौन आता है, 5 आता है, 4 × 5 = 20, ये हो जाएगा 20 25, पॉइंट नहीं है तो नहीं लगाना है, ठीक है, 20 25 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग सरल है आयत के अकॉर्डिंग, अगर आपने आयत पढ़ा है पिछली क्लास में तो वर्ग ऐसा कोई टफ नहीं है, नॉर्मली छोटे छोटे स्टेप में सवाल हो जाते हैं। देखिएगा एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और दूसरे का 24 मीटर है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब एक अन्य वर्ग जो होगा ना उसका क्षेत्रफल इन दोनों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, अर्थात इन दोनों क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। जैसे बात सुनिए, आपसे बोला है एक वर्ग का परिमाप 32 है, तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि 4a = 32, ठीक है, तो दूसरे वाले का कितना दिया है, तो दूसरे वाले का मैं लिख देता हूं 24। मैं नाम दे सकता हूं A1, A2, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आप समझ जाइए, ठीक है। 4 से भागा देंगे तो 4 × 8 = 32, तो ये भुजा हो गई 8, और 4 से भागा देंगे 6 बार तो 4 × 6 = 24, दूसरी भुजा हो गई 6, मतलब दो वर्ग हमारे सामने हैं, एक वर्ग की भुजा है 8 तो दूसरे वर्ग की भुजा है 6। अब इनके क्षेत्रफल के बराबर एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल है, ऐसा सवाल में बोला है, तो ये क्षेत्रफल जो होगा ना थोड़ा ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल इन दोनों से बड़का है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं पूछूं आपसे कि 8 का स्क्वायर क्या होगा तो 64 होगा, ठीक है, और 6 का स्क्वायर क्या होगा तो 36 होगा, इन दोनों क्षेत्रफल को अगर मैं जोड़ लेता हूं तो भाई साहब हमें मिलेगा 100 मिलेगा, और 100 किसका क्षेत्रफल है, तो इस नए वर्ग का क्षेत्रफल है। आई बात समझ में, इस नए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है तो 100 है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला था कि इस वर्ग का विकर्ण क्या होगा यदि इसका क्षेत्रफल इन दोनों क्षेत्रफल के बराबर है, तो इन दोनों क्षेत्रफल का योग किए तो 100 आया, यानी 100 इसका क्या लगता है, तो गुड्डू क्षेत्रफल लगता है। अब बताइए मुझे कि 100 इसका क्षेत्रफल है तो इसका क्षेत्रफल भी तो भुजा का वर्ग होगा, भुजा का वर्ग होगा तो 100 किसका वर्ग होता है, 10 का, यानी इसकी भुजा पता चल गई कि इसकी भुजा क्या होगी, 10 होगी, इसकी भुजा क्या होगी, 10 होगी, तो विकर्ण क्या होता है ये बताइए। भैया हर कोई जानता है विकर्ण होता है a√2, तो जब भुजा का मान 10 है तो मैं बोलूंगा 10√2, ये हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ वाला, 10√2। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 24,200 वर्ग मीटर है, कोई बात नहीं, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को
इसके विकर्ण तह पार करने में कितना समय लगेगा? बढ़िया सवाल है। देखो भाई, आपको खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है, खेत का आपको क्षेत्रफल दे रखा है और एक बात बोली है कि एक आदमी 4.4 की चाल से इसके विकर्ण को पार करता है, तो विकर्ण को पार करता है तो उसकी चाल क्या बोला है, उसको समय कितना लगेगा। देखो भाई, आपने समय चाल दूरी पढ़ा होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो वहां जहां पे चला है वो दूरी आपको पता लगानी है। अगर वो परिमाप पे चला है तो परिमाप की दूरी पता लगानी पड़ेगी कि परिमाप कितना है। यदि वो भुजा पे चला है तो भुजा पता लगानी पड़ेगी, यदि विकर्ण पे चला है तो विकर्ण पता लगाएंगे। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, अच्छा सा देखिएगा। क्षेत्रफल दिया है गुड्डू मुझे, ए स्क्वायर बराबर दिया है 24,200। ये दिया है क्या? बिल्कुल 24,200। ओके, अब देखो भाई, ध्यान तो सुनना, इसका एक्यूरेट तो शायद वर्गमूल नहीं होता है, तो इसको हम फैक्टर कर देंगे। जैसे 24200 है, मैं लिख देता हूं पहले, तो ठीक है, अगर इसके मैं फैक्टर करता हूं तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर 2 से भाग दूं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, ये 2 ऐसा के ऐसा और 100 को मैं अलग कर देता हूं। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, अगर 2 जीरो को मैं 100 बना दूं तो ये रहेगा 242, और 242 को अगर मैं 2 से डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी इसके फैक्टर करके मैं ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ आए तो गुड्डू आप ऐसे एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, फैक्टर करना है। चलिए ये बताइए, बाहर आके क्या हो जाएगा, 11 11 होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा सर? क्योंकि 11 का पूर्ण वर्ग होता है। अच्छा सर, क्या ये 100 बाहर आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, 10 बन जाएगा, लेकिन ये 2 अंदर ही रहेगा, ये 2 अंदर ही रहेगा। 11 धमाकी 110, 110√2 ये क्या आ गई है? तो भाई ये भुजा है, क्या है ये? भुजा, ये विकर्ण नहीं है, ये भुजा है। अब उसने पता है क्या बोला कि विकर्ण को पार करना है, विकर्ण को कर लेंगे सर, विकर्ण को पार करना है, तो विकर्ण क्या होता है जानते हैं, √2 विकर्ण होता है, √2, तो विकर्ण का पता लगाते हैं। क्वेश्चन को छुटका कर दे रहा हूं, देखिएगा, अगर हम विकर्ण देखें तो 110√2 में गुणा कर देंगे √2 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि विकर्ण होता ही क्या है, √2 होता है, तो भाई विकर्ण की लंबाई तो पता करनी पड़ेगी ना। चलिएगा, तो ये हो जाएगा 110 ऐसा के ऐसा, और √2 होता है 2, यानी ये हो जाएगा 220 मीटर। कितना हो जाएगा? 220 मीटर। ये लो भाई, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, तो मुझे विकर्ण की लंबाई पता चल गई, कितना मान आ गया इसका, 220 मीटर। मतलब ध्यान से सुनना एक बात, कि अगर लड़का यहां खड़ा है और उसको वहां जाना है, या फिर वहां खड़ा है वहां से आना है, तो वो कितना चलेगा? 220 मीटर चलेगा ना। चलिएगा, क्या बोला था, 4.4 की चाल से चल रहे किसी व्यक्ति को इसके विकर्ण को पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है, हम निकालते हैं समय। देखिए छोटा सा सवाल है पर इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। समय की बात करें, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी हो जाएगी 220, दूरी हो जाएगी 220 और चाल हो जाएगी 4.4। अब देखो मुद्दे की बात, आप सभी ऑप्शंस को देख पा रहे होंगे, ऑप्शन काई में है गुड्डू तो मिनट में है, ठीक है, आप इसके पहले की सीरीज देखिएगा, मैंने रेलगाड़ी के चाल दूरी के ढेरों सवाल करवा रखे हैं, ठीक है, उसमें सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि यूनिट को कैसे बड़ा बनाते हैं, कैसे छोटा बनाते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय है तो कैसे रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट उड़ाएंगे इसको, मुझे चाहिए मिनट में समय, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, देखो भाई मेरे दिमाग में बात आ रही है कि एक काम तो ये कर सकता हूं कि 4.4 को 4.4 ही रहने देता हूं, और मीटर जो है ना, मीटर अभी काट नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है और ये मीटर में है, तो आपको पता है मीटर को मैं किलोमीटर बना दूं और किलोमीटर से मैं कैलकुलेशन करूं तो घंटे में आंसर आएगा, और घंटे को मिनट बना दूं, ये काम कर सकते हैं। या फिर ये कर सकते हो सर कि चाल को छोटा बना लो तो आपका आंसर सेकेंड में आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं, चाल को छोटा बना ले तो आंसर सेकेंड में आ जाएगा, और सेकेंड में जब 60 का भागा देंगे तो वो मिनट बन जाएगा। क्या करना चाहिए बताइए, दोनों से हो जाएगा। देखो भाई, मैं इसको छोटा बना के बताता हूं आपको, अच्छे से समझना, जैसे ये मीटर है ना, इसको मीटर प्रति सेकेंड बनाने के लिए इसमें गुणा करेंगे 5/18 का,
5/18 का गुणा करेंगे तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो मैं डायरेक्ट 18 ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है, जो रेलगाड़ी पढ़े हैं हमसे वो समझ गए होंगे। चलिएगा अब एक और चीज, अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी, 1 जीरो। ओ भैया ये जीरो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लगनी ऊपर ही है, ठीक है, चलिए हटा देते हैं इसको। अब मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे ये था मीटर में, ये हो गया मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर आएगा सेकेंड में। चलो काटते हैं फिर देखते हैं। 22 एकम 22 और 22 दूना 44। लो सर बहुत सुंदर, 5 दूनी 10, 10 से 10 खत्म, कुछ नहीं बचा, 180 सेकेंड आंसर होगा, 180 सेकेंड आंसर होगा। और 180 को यदि हम 60 से भाग दे दें, किससे, 60 से, क्योंकि हमें किसमें चेंज करना है, मिनट में, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मिनट। जिसका भी 3 मिनट आया था राइट आंसर, बहुत बेहतरीन। ठीक है, या मैं आपके सामने एक और बात रख दूं, जैसे मैं आप कहना चाह रहा हूं सर बड़ा बना दो, तो बड़ा भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कि कितना था 220 मीटर, ठीक है, अब मीटर में मैं 1000 का भाग दे दूं तो जानते हैं ये किलोमीटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, किलोमीटर। और यहीं पे मैं भाग दे देता हूं 4.4 का। देखो भाई ध्यान से सुनना, इसमें भाग दोगे तो मैंने इसमें डायरेक्ट 1000 का भाग दे दिया और ये 4.4 का यहीं नीचे लिख दिया, इसमें गुणा करके, है ना, और ये 4.4 220 में क्या दे रहा है, भाग दे रहा है। अब यहाँ पे सुनना, बहुत अच्छी सी बात बता रहा हूं, ये हो गया किलोमीटर में, देखो किलोमीटर में, ये है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो अगर हमें आंसर किसमें चाहिए, मिनट में, तो घंटे से छोटा होता है मिनट, तो यही 60 का गुणा कर दो, मैं आपको बताता हूं मिनट में आंसर आ जाएगा। देखो आप लोग भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो लगा देते हैं, ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, मैंने हाथों हाथ ही 60 का गुणा कर दिया, ठीक है, 22 दूना 44 और 2 से भागा जाएगा 3 बार, ये 3 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये लो बात खत्म, ठीक है, आपको ये तरीका समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना जो मैंने शुरू में बताया था उससे कर लीजिएगा, वो और सरल है, ठीक है भाई, कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं होगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, समझ रहे हो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पे जो वर्ग बना है उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात यहां समझा रहा हूं, समझिएगा, डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है। देखो भाई आपके सामने ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है, और ये वर्ग के विकर्ण पर, ये वर्ग के विकर्ण पर हमने एक नया वर्ग बना दिया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, एडजस्ट कर लीजिएगा, समझिए वर्ग है, मान लीजिए आप गणित वाले हैं, ठीक है। अब देखो भाई सीधी सी एक बात बताऊं अगर मैं, कि अगर ये ए है, इसकी भुजा ए है, तो इसकी भुजा होगी ए रूट टू, समझ गए, इसकी भुजा होगी ए रूट टू, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, लेकिन ये ए रूट टू है तो इसकी भुजा क्या होगी, ए रूट टू, है ना, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, और मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो इसकी भुजा है ए रूट टू, तो इसका भी यही होगा भुजा का वर्ग, यानी ए रूट टू का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर ऐसा के ऐसा, और भाई ए की जगह है तो स्क्वायर इस पे भी लगेगा, है ना, इनटू रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो 2 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कैलकुलेशन करता हूं तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसल, 1:2 मेरा आंसर होगा, 1:2 मेरा आंसर होगा, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको चीजें बता देता हूं, ध्यान रखिएगा, एक प्रैक्टिकल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप भी जानते हो कि सर ये भुजा है छोटे वाले वर्ग की, ये भुजा है तो सर ये क्या है, विकर्ण है, अंदर वाले का मतलब ये छोटके वाले का विकर्ण है। आप भी जानते हो कि इसकी भुजा से विकर्ण की लंबाई ज्यादा होगी,
विकर्ण की लंबाई भुजा से ज्यादा होगी, और जिसकी भुजा बड़ी होगी उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा होगा, जिसकी भुजा छोटी होगी उसका क्षेत्रफल भी छोटा होगा। तो इस जगह ध्यान रखिएगा, ऐसा कहा जाता है तो आप भी ध्यान रखना कि विकर्ण पे जो वर्ग बनता है वो इस वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना होता है। एक बार फिर सुनिएगा मैंने क्या कहा कि जिस पे है ना किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग उस वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना होता है। किसी वर्ग के विकर्ण पर बना वर्ग उस वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना होता है। यानी मैं कहूंगा कि यदि इसका क्षेत्रफल एक होगा तो इसका क्षेत्रफल दो होगा, यदि इसका क्षेत्रफल 20 होगा तो इसका क्षेत्रफल 40 होगा, यदि इसका क्षेत्रफल 5 होगा तो इसका 10 होगा। यानी जो विकर्ण पे बनता है ना उसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से के गुना होता है, दो गुना होता है। एसएससी जीडी में आपके संख्या देखे इस प्रकार के सवाल पूछे गए थे, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा बेसिक समझिएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने दो वर्ग बनाए, एक वर्ग ये हो गया और गुड्डू एक वर्ग ये हो गया, ठीक है। मैं आपके सामने विकर्ण को भी बना देता हूं, ये लीजिए है ना। अब यहां पे मैं इसकी भुजा लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, इसकी भुजा लिख देता हूं 4 और मैं लिखता हूं कि इसका क्षेत्रफल, मैं लिखता हूं इसका क्षेत्रफल। तो भाई इसकी जब भुजा 4 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16, क्षेत्रफल 16 हो गया। अब देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका क्षेत्रफल मैं लिख के छोड़ देता हूं, ओके, और मैंने इसकी भुजा लिख दी यहां पे, समझना। अब मैं आपसे अगर इसका विकर्ण पूछूं तो आप विकर्ण क्या कहोगे, तो आप कहोगे सर इसका विकर्ण होगा a√2 मतलब 4√2, क्योंकि भुजा कितनी है 4, तो ये होगा 4√2। अब देखो ये 4√2 तो मैं यहां लिख देता हूं 4√2, क्या लिख दिया 4√2। अब ये 4√2 है तो ये भी 4√2 होगा, ये भी 4√2 होगा और ये भी 4√2 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा गुड्डू, सवाल में काम आएगी, ठीक है। यहां से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इसके विकर्ण की लंबाई है वो इसके भुजा की लंबाई है, समझ रहे हो, जो इसके विकर्ण की लंबाई है वो इसके भुजा की लंबाई है। तो बात तो वही है जो अभी हम देख के आए हैं, कौन सी बात, कि अगर मैं इसके विकर्ण पे वर्ग बना दूं तो उसकी भुजा इसकी भुजा के बराबर होगी, समझ गए, क्योंकि इसके विकर्ण की जो भुजा है वो इसकी भुजा है। इस कंडीशन में पता है क्या होगा, इसके विकर्ण की जो लंबाई है वो इसकी भुजा के लंबाई के बराबर है, अर्थात इसका क्षेत्रफल इस पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना होगा, के गुना होगा, दो गुना। तो यदि ये 16 है तो ये कितना होगा 32, क्या होगा 32। नहीं समझ पाए हो तो देखो इसका अगर वर्ग करके आप देख लीजिए, आपको प्रूफ हो जाएगा। अगर इसका वर्ग कर दे तो 4 का वर्ग 16 और √2 का वर्ग 2, 16 दुना 32, ये देखिए प्रूफ हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिएगा देखो एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इसका हम बेसिक कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, देखो इसको मैं आप समझो, बहुत सरल सवाल हो जाएगा ये शॉर्ट से। देखो यहां पे मैं विकर्ण भी बना देता हूं दोनों के प्यारे प्यारे से, देखो गुड्डू समझना है ना क्या बोला है सवाल में। अब देखो एक वर्ग का विकर्ण 14 सेंटीमीटर है, ठीक है सर, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना है। यानी इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दो गुना है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से दो गुना है, ओके। अच्छा इसके विकर्ण की लंबाई क्या दे रखी है 14, देखना मेरे भाई, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 14 है, इसके विकर्ण की लंबाई 14 दे रखी है, और एक बात बोली है कि जो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है ना वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दो गुना है। मैं एक बात जानता हूं कि अगर इसका क्षेत्रफल दो गुना है इससे, तो यानी जो इसके विकर्ण की लंबाई होगी ना वो उसके भुजा की लंबाई होगी, जो इसके विकर्ण की लंबाई होगी वो इसकी भुजा की लंबाई के बराबर होगी, तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 14। आई बात समझ में, इसकी भुजा 14 हो जाएगी तो इसका विकर्ण होता है a√2, तो भैया a का मान 14√2, ये आपका आंसर होगा 100% फाइनल सही जवाब। ठीक है, तो जो आप उधर पढ़े हो वो इन सवालों में आपके काम आएगी, ऐसे सवाल बहुत भी पूछे गए थे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, पहला क्वेश्चन है आरडब्ल्यू का फर्स्ट क्वेश्चन
और ये आरडब्ल्यू का सेकेंड क्वेश्चन, रफ वर्क आपके लिए, ठीक है। दोनों को करिएगा, जो भी इसका आंसर है कमेंट में देखिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, वरना वीडियो को पीछे जाके फिर से देख लीजिएगा, डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।